गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत दिन के बाद शायद बाहर जा रहे हैं, राइट मम्मी? बहुत दिन हो गया, मतलब जाते हैं ऑफ कोर्स ग्रॉसरीज एंड स्टफ, पर आज हाँ थोड़ा दूर जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं वैसे ब्रांच बुक पार्क, जो कि हमारे घर से अभी तो हाईवे में है, सो इट वॉज लाइक व्हाट 1 hour 20 minutes. So it's pretty far from here. Or kal, when did it happen? Earthquake kab hua? Kal nahi, parso hua tha na. So 5th April? Yeah. So guys, 5th April na? Yeah. So guys, 5th April 2024 mein USA mein, after like what 170 years or 200 years, 4.8 magnitude ka earthquake hua near New Jersey and New York. लास्ट हुआ था इन आई डोंट रिमेम्बर वेयर, बट 5.2 का अर्थक्वेक हुआ था एंड इट लाइक शुक द होल यू नो द स्टेट्स एंड स्टफ। तो हाँ 4.8 मैग्नीट्यूड हुआ था, हम तो पूरा मतलब डर गए। पूरा मैं तो डर गया, मैं तो बस एडिटिंग कर रहा था बस ऐसे ही मजे के लिए, एंड देन आई सी द टेबल इज शेकिंग, वो मेरा क्या लैम्प फ्लोर लैम्प ऐसे गिर रहा है, बहुत डर लगा। पहले तो मैं उठ के मम्मी को बोला, Mom, it's everything is shaking. I'm like, मैं बोला and mummy is like, oh no, क्योंकि यहाँ का जो घर होता है it's all wooden and you know जब washing machine चलता है then it's like you know the floor is kind of shaking. तो washing machine चल रहा था तो mummy ने washing machine चल रहा था, so we all like ये दोनों सोचे कि it was the washing machine, but मैं तो पूरा पक्का श्योर था कि earthquake था because the whole house was shaking. So yeah, वैसे वो हम लोग को भी फील हुआ कुछ तो मतलब झटका जैसा फील हुआ, लेकिन फिर जब आफ्टर 5-10 मिनट्स सबका मैसेजेस आया सारे ग्रुप्स में कि अरे कोई फील किया, देन आई रियलाइज कि ओ ओके तो हर्ष ठीक बोल रहा था, वो जो हमारे अपार्टमेंट ग्रुप में अपार्टमेंट देन हमारे ओडिया ग्रुप देन फ्रेंड्स ग्रुप सारे में मैसेजेस आए, देन आई रियलाइज Yeah, and the aftershock of the earthquake was also crazy, guys. Or kal, aaj 7th April hai. Tomorrow is 8th April, and kal hone wala hai solar eclipse. And this one will be a bit rare because of some reasons. I'll tell it to you later in the video. So, kal ke liye wait kar raha hu. I'm thinking to take my drone and then, like you know, take a video of the solar eclipse. Matlab, I know it's a dumb idea, but let's see. तो या अभी हम जा रहे हैं ब्रांच बुक पार्क, देखते हैं कैसा है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस मैं भूल गया बोलने के लिए, तो हम ब्रांच बुक पार्क इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द चेरी ब्लॉसम, लास्ट द पीक टाइम, या दिस इज द पीक टाइम इन ब्रांच बुक पार्क। लास्ट ईयर हम गए थे वाशिंगटन डीसी, वहां पर भी बहुत मजा आया, तो या दिस ईयर वी आर गोइंग टू ब्रांच बुक पार्क, लेट्स सी हाउ इट इज, सो स्टे ट्यून्ड। So guys, Branch Brook Park was like good, अच्छा लगा, but मतलब you know जैसे Washington DC में है, like the whole like kind of area, like the whole state is kind of like you know it has the cherry blossom, it was not like that. बाद में drone shot दिखाता हूँ, it was like a bit you know देखिए जैसे like only that part in the top left is like you know it has the cherry blossom, the other part is just green, and I mean like it was good because there was a lot of people that time, like bahut hi log the, isliye bahut acha lag raha tha, but yeah definitely not like Washington DC, Washington mein to kuch aur hi hai, but I mean it's like if you know like you know if you don't want to go to Washington or you already just went to Washington DC last year and you want to like just you know see cherry blossom then you could go here, but yeah definitely not bad, and yeah तो
तो गाइस वहाँ पर अभी हमारा ख़त्म हो गया एंड वी वर हेडिंग टू अ डिफरेंट लोकेशन. अच्छा लगा वहाँ पर, ऑफ कोर्स लाइक नॉट एज गुड एज वॉशिंगटन डीसी, बट या वहाँ से हम गए एडिसन क्योंकि पापा को खाना था पान, और हम गए एडिसन का देसी गैलेक्सी एंड इट वॉज रियली गुड. पूरा इंडिया का वाइब्स है गाइस, हम जितने भी एयर गए पूरा इंडिया का वाइब्स, मस्ट लाइक अ मस्ट गो प्लेस. तो गाइस हमारा भी ख़त्म हो गया देसी गैलेक्सी में और हम घर आ गए. पूरा थक गया था इसीलिए मैं आपको और कुछ नहीं दिखा पाया. आई एम रियली टायर्ड, आई एम सॉरी, बट डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड, देयर इज मोर फन स्टफ कमिंग अप अहेड. सो गाइस नया दिन है एंड टुडे वी आर गोइंग टू गुरुद्वारा. एंड मम्मी क्यों जा रहे हैं? बैसाखी के लिए. बैसाखी? हाँ, वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेशन वो लोग कर रहे हैं और लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे. और पापा कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली हमारे घर से? 10 मिनट्स. सो हाँ, यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, ओनली 10 मिनट्स, बहुत ही पास है. लाइक ये जो न्यू जर्सी है यहाँ पर इट्स लाइक यू नो लॉट ऑफ इंडियंस, सो लाइक लॉट ऑफ इंडियन प्लेसेस टू. तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा है, स्टे ट्यून्ड. तो गाइस वैसाखी में इतना लोग होता है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही था. लास्ट ईयर इट वॉज मोर लाइक वी प्रॉबेबली वेटेड फॉर 2 आवर्स जस्ट टू पार्क आवर कार्स. बहुत टाइम लिया था लास्ट ईयर, इस टाइम फिर भी थोड़ा कम था, नॉट टू लॉन्ग. इट टुक अस लाइक 40 और लाइक 1 आवर-ish, तो इतना ज़्यादा नहीं था ऑफकोर्स. तो या दिस इज़ लाइक आउटसाइड गाइस, दिस इज नॉट, वी डिडन्ट इवन रीच द पार्किंग स्पॉट येट. तो यहाँ बाहर हम बस मतलब इतना भीड़ है, सो यू गाइस कुड इमेजिन हाउ मच इट विल टेक अस लाइक यू नो टाइम टू लाइक पार्क आवर कार्स. ऑफ कोर्स बहुत टाइम लिया पार्क करने में, मतलब हम तो मतलब थक गए पूरा, गाड़ी में बैठ बैठ के थक गए, बहुत थक गए. पर या एट लास्ट वी डिड फाइंड अ पार्किंग स्पॉट एंड इट वाज अ गुड स्पॉट, नो मड अंडर अस, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मड़ी था वहाँ पर. इट वॉज रियली मड एंड या वी फाउंड अ गुड स्पॉट. सो या तो गाइस वहाँ पर ये सब जुगाड़ करते थे फॉर ऑल द किड्स, दे हैड लाइक ऑल द ट्रैम्पोलिन्स एंड स्टफ फॉर देम टू प्ले, द स्लाइड्स एंड स्टफ. एंड हाँ, वो लोग तो एज यूजुअल बहुत थे, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. एंड यू नो इट्स रियली फन टू बी इन द मिडल ऑफ लॉट ऑफ पीपल एंड यू नो लाइक पीपल आर हैविंग फन एंजॉयिंग देयर टाइम. और हाँ, वहाँ से हम वैसे गुरुद्वारा के अंदर गए, बिकॉज़ ऑफ कोर्स गुरुद्वारा तो आए थोड़ा, तो यू नो लाइक वी हैव टू प्रे. सो मतलब It's not that we have to pray, but you know, humko acha lagta hai. We like, you know, we're like more religious person. But bahut maza aaya, unka gana, unka dressing styles, tradition, everything is so cool about, like, I love, you know, Punjabis. And yeah, gana to wahan par ka, matlab, kya gana bajate the, like, really loved it. And khana to mat poochho guys, itna khana hai ki, matlab, आप खा खा के मतलब थक जाओगे. मैं पर्सनली आई वाज टायर्ड बाय ईटिंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ फूड ओवर देयर, लाइक साउथ इंडियन, लाइक एवरी सिंगल डोसा, पूरी, राइस, पनीर, लाइक एवरी सिंगल थिंग गाइस, जूसेस, क्या नहीं था वहाँ पर, दे हैड एवरीथिंग. पानी पूरी, या दिस वाज द बेस्ट थिंग, पानी पूरी वर द बेस्ट थिंग ओवर देयर. आई लव्ड पानी पूरीज, आई हैव नो क्लू व्हाई, बट बहुत मज़ा आया. मम्मी भी एंजॉय कर रही है, हमको बोल दिए कि लाइन में हो आप, खाते जाओ, लाइन भी आगे जाते रहेगा. तो हम भी खाते गए, लाइन आगे गया, बहुत मज़ा आया वहाँ पर. ऐसे मतलब क्या लग रहा था, हमारे सामने बना के खाना दे रहे थे एंड वी एट ऑल द फूड. इट वॉज रियली 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 गुड. It was the best experience of my life.
Last year भी यही हुआ था, but yeah, I was not taking videos. I didn't start a YouTube video that time. But अभी yeah, now that I have started, I had to show it to you guys. And ये देखिए डोसा, like जो taste था डोसा, it was so good, like the best taste. And yeah. तो गाइज हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया, बहुत मज़ा आया, एट लास्ट हम घर आ गए, वरना तो मैं तो पेट फूल होकर मतलब वहीं पर टपक जाता. तो अभी तो भाई कुछ नहीं, अभी जाके कुछ करेंगे, पानी पियेंगे और फिर रात में सो जाएंगे. आज नींद बहुत बढ़िया आएगा क्योंकि खाना ऐसा खाया है तो नींद तो आएगा, है ना भाई. तो हाँ आज के लिए गाइज इतना, तो यार स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय.